जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर मेडिकल मेल फीमेल एज हाइट क्वालिफिकेशन रनिंग रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशंस का इतना मैटर नहीं, क्योंकि जेके भी सब इंस्पेक्टर ने अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है। जम्मू कश्मीर में ये वैकेंसी पहले 800 आई थी, बट वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसे 1200 किया गया। इस वैकेंसी में आप लोगों को फिजिकल टेस्ट या रिटर्न टेस्ट कब तक हो सकता है, बॉर्डर बटालियन के रिटर्न एग्ज़ाम की क्या अपडेट्स है, नए जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो जो मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी आई है, हर 1.5-2 साल के बाद वैकेंसी आती रहती है, इसलिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर में लगने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बॉर्डर बटालियन की बात करें तो बॉर्डर बटालियन के रिटर्न के एग्ज़ाम को लेकर तमाम बच्चे यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छोटे मोटे, और आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल की तरफ से फुल सपोर्ट उन्हें दी जा रही है। फिलहाल आप लोगों का बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम 1-2 मंथ में नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब हैं वहाँ पर, स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर डिविजन में। इसलिए आप लोगों को बता दें कि जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम है वो फरवरी के एंडिंग या मार्च के स्टार्टिंग्स में आप लोगों को हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं निकालती तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर यानी कि प्रोटेस्ट कर बच्चों को इकट्ठा कर जैसे ही आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर नॉर्मल स्थिति होती है, हम लगातार प्रोटेस्ट पर जोर देंगे और गवर्नमेंट से एक एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करवाएंगे। ये आप लोगों को हम पहले बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों के पास कम समय बचा हुआ है कांस्टेबल वाले बच्चों के पास। आपको बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि आपको बता देंगे अगर बॉर्डर बटालियन की भर्ती कंप्लीट होती है तब आप लोगों को नई जो जेकेपी की भर्ती है वो भी देखने को मिल सकती है। जेकेपी के लिए कितनी हाइट और कितनी रनिंग चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, और मेडिकल किस तरह का होता है, काफ़ी बच्चों के जो क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे मेडिकल्स में नहीं फिट रहते। 5-6 मिनट्स की वीडियो होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिल सकता है जो फर्स्ट टाइम जेकेपी का एस्पिरेंट्स है। आपको बता दें कि ये इसकी लास्ट डेट यानी कि इसकी लास्ट डेट 18 दिसंबर को है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो इनक्रीज़ हो सकती है कैट के अनुसार। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल इस बार रखी गई है सब इंस्पेक्टर में, और 32 या 33 भी हो सकती है। लास्ट डेट एक्सटेंड होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, बट अभी तक ऑफिशियल अपडेट्स हमारे पास नहीं आया है। हाइट की बात और रनिंग की बात इस वीडियो में करेंगे। मेडिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जो होम डिपार्टमेंट ने वैकेंसी रेफ़र की है JKSSB को, JKSSB इसका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट वाइज होगा, और आप लोगों को बता दें कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। कम से कम 6,500 आप लोगों को बता दें कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे फिज़िकल के लिए। उसके बाद आप लोगों का फिज़िकल कंडक्ट होगा, किसी भी ग्राउंड में हो सकता है, जम्मू में भी होगा और कश्मीर में भी, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस कंडक्ट ही कराएगी, ऐसा यहाँ पर लगाया जा रहा है। मेडिकल की बात करें तो नॉर्मल मेडिकल होता है दोस्तों, मेडिकल में कोई भी बच्चा यहाँ पर आउट नहीं होगा, ये आप लोगों को बता रहे हैं। कुछ जो मेन फॉल्ट होगा कोई तगड़ा ही, वो ही आउट होगा, फिजिकल के बाद होगा मेडिकल। मेडिकल आप लोगों को अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल आप लोग देते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल करवाना पड़ता है। मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं, ज़्यादा इतना चेकअप नहीं होता। आपको मेन फोकस आपके रिटर्न पर, रिटर्न के लिए अभी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों को पता है वही रहने वाला है मेन। इसमें जनरल नॉलेज और आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आए थे। इसमें कोई सेक्शन नहीं आती दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कोई स्पेशली सेक्शन नहीं कि SSC GD की तरह स्पेशली आप लोगों को 25 मार्क्स की GK या 25 का, वो नहीं। इसमें आप लोगों को मिक्स टाइप सिस्टम रहता है, 40 के जनरल नॉलेज, GK साइंस और ये हिस्ट्री पॉलिटी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बड़े टेक्निक के हिसाब से आप लोगों को बता दें सब इंस्पेक्टर के पेपर को क्रैक किया जाता है। इसमें काफ़ी, इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है वो तो एग्ज़ाम के बाद ही, एग्ज़ाम का लेवल चेक करके ही पता चलता है। बट आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की लॉन्ग रे हाइट होगी, हाइट 5'6" लड़कों की, 5'2" लड़कियों की हाइट होनी चाहिए, तभी आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप लोगों को रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। 1600 मीटर 6.5 मिनट्स में आप लोगों की रेस निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकलती तो आप लोग फेल मानोगे। ये रनिंग ऑनलाइन होगी यानी कि चिप सिस्टम से, पुश आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, वो तो मैक्सिमम सबके होते हैं।
बाकी और कोई बड़ी अपडेट्स नहीं, सिर्फ जय ही फिज़िकल होना है, हाइट और रनिंग दो मेन पॉइंट्स हैं फिज़िकल के। मेडिकल भी बता दिया और पूरी डाटा आप लोगों को बता दिया। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया है या नहीं, तैयारी आप लोग कर रहे हैं या अभी सिलेबस आने पर करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। लगातार मोटिवेट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। जैसे सिलेबस अनाउंस होता है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।